देखिए स्टूडेंट्स, आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको सिखा रहे हैं समाकलन, इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखिए किस तरह से करेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, इसको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। ये फ्रैक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, पहले इसे अलग उतार लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 8x-4 अपॉन एक्स माइनस वन और 3x+1। अब इसे a अपॉन में तोड़ लेंगे, नीचे दो हैं, दो ब्रैकेट हैं, तो दो बार में तोड़ेंगे। x माइनस वन प्लस b अपॉन 3x+1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में ये दोनों ही आएंगे, x माइनस वन आएगा, 3x+1 आएगा, क्रॉस गुणा होगी तो a के साथ में आ जाएगा 3x+1 और b के साथ में आ जाएगा x-1। ये ऐसे ही उतार लेंगे, 8x-4 और x-1 और 3x+1। नीचे के ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला बचेगा 8x-4 और a और 3x+1 और b के साथ में आएगा x-1। ऊपर वाली लाइन हमने उतार ली। अब हम इसको कैसे हल करें, तो हम लिख रहे हैं, माना x बराबर 1 मान लिया। अगर x बराबर 1 मानेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। कैसे होगी 0, देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। 8 × 1 - 4, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर x की जगह भी 1 रखेंगे यहाँ, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, b और गुणा 0, ये हो जाएगा, ये 3 और 1 = 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 गए तो 4, ये 0 हो गया, तो a बराबर आ गया 4 अपॉन ये वाला 4 यानी कि 1। अब x का मान क्या करें, क्या रखें x का मान, माने अब की बार क्या x का मान रखें, क्योंकि इस बार तो a निकला है, तो ये कैसे निकालें। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x का जो गुणक आएगा वो आएगा 3a, x का जो गुणक आएगा वो 3a आएगा। या ऐसे गुणा कर लो, a की गुणा इस वन में करोगे तो आएगा a, a की गुणा इस वन में करोगे तो a आएगा, तो a लिख दो आप। इसकी गुणा इसमें करोगे तो माइनस का बी आएगा, और बराबर विदाउट एक्स वाला फंक्शन लिया है हमने, तो यहां पर कितना लेंगे, माइनस फोर लेंगे, कितना लेंगे माइनस फोर, तो ए माइनस बी बराबर माइनस फोर। अब ए की वैल्यू क्या है, वन है, ए की वैल्यू कितनी आई है, वन आई है, तो वन यहां रख देंगे। बी हमें मालूम नहीं है, तो बी कैसे निकलेगा, माइनस का फोर ऐसे ही ये वन उधर जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस का फाइव हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बी बराबर आ गया फाइव। अब हमने इसी को तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, तो अब ये क्वेश्चन था हमारा, तो ये क्वेश्चन उतार लो। तो हमने आई बराबर क्वेश्चन उतारा, 8x-4 x-1 3x+1 a अपॉन, तो सबसे पहले a अपॉन लिखा, तो a कितना है, 1 अपॉन x माइनस वन हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस वन dx के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे थे इसको, तो dx लिख दो यहां, और ये dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर आएगा b अपॉन, तो b क्या है, b है 5, तो हो जाएगा 5 अपॉन 3x+1। अब इसको कैसे हल करें, तो देखो इसको हल क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा लॉग में 1 अपॉन x बराबर लॉग x होता है, तो इसका हो जाएगा लॉग x dx, ये हो गया कंप्लीट, प्लस 5 3x+1 dx। इसको कैसे करें, तो इसको मान लेंगे, माना
3x प्लस 1 बराबर टी, तो ये हो जाएगा 3dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 3। तो i बराबर सवाल हो जाएगा, ये तो हल करा हुआ है, ये क्वेश्चन तो हल करा है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, log x माइनस 1 प्लस 5, ये 5 ऐसे ही रहा, 5 बाहर लिख दिया है उससे कोई फर्क नहीं है, ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसकी जगह t माना है तो t हो जाएगा और हो जाएगा dt अपॉन 3, फिर हो जाएगा log x माइनस 1 और ये हो जाएगा 5 log t और 3 ये यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, ये फिर से लिखेंगे log x माइनस 1, अब लिखेंगे प्लस 5/3 log t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू क्या है 3x+1 और ये एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो देखो इसका सॉल्यूशन ही है आगे, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने इसको भी पहले उतार लिया 6x-2, पार्शियल फ्रैक्शन बना के हल करेंगे, अभी जैसे किया था उसी की तरह, जैसे 6x-2 उतारेंगे, फिर x-2 उतारेंगे, फिर उतारेंगे x+3, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x+3। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे, x-2 x+3 क्रॉस गुणा हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई x+3 से हो जाएगी और b की मल्टीप्लाई x-2 से हो जाएगी, ये ऊपर 6x-2 ऐसे ही रहेगा, x-2 उतार लेंगे, x+3 उतार लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर आ गया 6x-2 बराबर आ गया a और आ गया x+3, ये हमने उतार लिया ऊपर की लाइन, फिर आ गया b x-2। अब हम क्या करेंगे, x की जगह मान लेंगे कि 3 है, या मान लेंगे x बराबर 2 है, x बराबर 2 मान लेंगे, हम 2 मान सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 2 रख दिया हमने, जब 2 रखेंगे x बराबर तो ये हो जाएगा 6 × 2 -2 बराबर, यहां 2 रख देंगे, यहां पर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5a, ये हो जाएगा 12 और 2 घट जाएगा तो 10 बचेगा, भाई 6 2 नहीं 12, 12 में से 2 गए 10 बचे, ए का जो 7 वाला है ये गुणा गुणा का नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है जो 5 वो नीचे चला जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 10/5, तो ए बराबर कितना आया 2। अब बी का मान निकालेंगे तो बी के लिए 3 रख देंगे माइनस का, तभी तो ये 0 होगा, तो एक्स बराबर -3 पर 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 3, ए और यहां रख देंगे -3 + 3, ए के साथ हो जाएगा माइनस -3 + 3, बी बी के साथ हो जाएगा -3 - 3 - 2 -3 - 2, कितना रख रहे हैं हम, माइनस का 3 रख रहे हैं, ए बराबर -3 रख रहे हैं, तो यहां माइनस का 3 लिखना चाहिए हमें, ये हमने माइनस लगा दिया, ये हो जाएंगे 18 6 18 और 2 20, तो ये 20 हो गए, ये 0 हो गया, ये हमारे हो गए 5a 5b हो गए 5b 5b, तो ये आ गया b बराबर आ गया 20 के नीचे ये 5 चले गए, 5 से डिवाइड कर दिया 4 आ गया। अब ये दोनों ए बी की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, आई बराबर, क्या क्वेश्चन बना हमारा, हमारा क्वेश्चन बना आई बराबर, हमारा क्वेश्चन था 6x-2 अपॉन x-2
और एक्स प्लस थ्री, ये क्वेश्चन था हमारा। इसके दो पार्ट कर लिए हैं हमने, इसी के तो दो पार्ट किए हैं, ए अपॉन इतना और बी अपॉन इतना। तो ए अपॉन, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है दो, तो टू अपॉन हो जाएगा एक्स माइनस टू, प्लस बी अपॉन, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू फोर है, तो फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री। ये तो हुआ भाई, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू आई थी हमारे पास दो, बी की जगह बी की वैल्यू रख दी और ये दोनों हमने उतार लिए। अब देखो ये ब्रैकेट लगा दो, अब देखो ये लॉग में होगा वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा टू लॉग एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा फोर लॉग एक्स प्लस थ्री, और प्लस सी हो गया सवाल। चाहो तो ये कर सकते हो, यहां से हटा के ये स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये यहां से हटा के यहां आ जाएगा, तो ऐसे लिख दो इसे, और करके दिखाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के। हमने क्या किया, इसको लिख दिया लॉग, आई बराबर लिखा लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर फोर, ये लॉग हमने यहां लिख दिया, और लिख दिया एक्स प्लस थ्री का इसकी पावर रेस टू पावर फोर हो गई। अब ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, क्योंकि एम एन वाला फार्मूला होता है लॉग एम इन टू एन, लॉग एम प्लस एन, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम एन, फार्मूले से देखो ये फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं लॉग, कहीं पर भी हो एम, कहीं लिखा हो लॉग एम, तो इसकी जगह होता है लॉग एम एन, तो इस फार्मूले का यूज कर ले रहे हैं यहाँ, तो यानी कि इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लॉग, और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स प्लस टू की पावर टू इंटू एक्स प्लस थ्री की पावर फोर। तो ये भी लिख सकते हो आप, चाहे ये लिख दो, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो ये आंसर हो गया, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है, और चाहो तो इसको होल स्क्वायर में, इसको फोर में खोल दो, बड़ा से लिख दो, वो भी आंसर है। तो सभी आंसर सही हैं, कोई इसमें गलत नहीं माना जाएगा, आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।